बड़े ही आदर के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा चर्चित जो अभिनेता हमारे बीच रहे हैं, श्री असलम खान जी, जिन्होंने रामायण में और कई धार्मिक सीरियल्स में कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। आमंत्रित हैं श्री असलम खान जी। जय श्री राम जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, राजेश जी ने मुझे बहुत कॉल किए, मैं वहाँ माफी चाहता हूँ फिर से एक बार, क्योंकि मैं इतना बिजी था कि मैं आ नहीं सकता था। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं चला जाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने रामायण की है, उसमें उन्होंने मुझे सारा पूरा अपना जितना भी है मेरा व्यक्तित्व, मतलब जितना भी कैरेक्टर्स मैंने किए, उन्होंने आपको सब मेरी जानकारी दी है। बस मैं यही कहूंगा कि राम जन्मभूमि जो अयोध्या में है, जो आज मंदिर बनाया जा रहा है, उसके लिए हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, सिख है, हम सबको मिल के वो मंदिर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार ये मंदिर बन गया, यहाँ मस्जिद बन गई। अलग अलग धर्म के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान बिखर जाएगा। बस मैं यही कहूँगा कि हमको एकजुट होकर रहना चाहिए, और बाहर की जो मतलब जितनी भी देश हैं वो हम पर हावी ना होने पाएं। और मेरे किरदार के मुताबिक, जैसे कि रामायण के बारे में राजेश जी ने बताया, और हमारे जो भी शोधकर्ता आए हुए हैं, हमारे विंदु जी हैं, हमारे रघुवीर यादव जी हैं, विंदु जी के जो पिताश्री थे दारा सिंह जी, उनके साथ मैंने बहुत मतलब काफ़ी समय गुजारा, हनुमान जी बनते थे वो, और बहुत ही अच्छे स्वभाव के नेचर के इंसान थे वो। वो जब भी सेट पे आते थे ऐसा नहीं लगता था कि इतना वर्ल्ड फेमस इंसान, इतना साधारण, इतना सिंपल, इतना सोबर, उनका नेचर ऐसा था किसी के भी साथ मतलब कोई उनमें अहम वाली बात नहीं थी। तो ये एक उनमें बहुत अच्छी बात थी, और बहुत बड़े इंसान थे वो। और रघुवीर यादव हैं, जो यादव जी हैं, उनके साथ मैंने कभी काम तो नहीं किया, हालांकि विंदु जी भी हैं, उनके साथ भी कोई अवसर नहीं मिला। मैंने सब रामायण में मतलब सिर्फ सागर आर्ट्स में ज़्यादा काम किया है, और अपने दुर्वासा ऋषि का एक कैरेक्टर मैंने किया था अपने जय माता की में, तो उससे मैं थोड़ा सा मतलब प्रसिद्ध हुआ था। तो मैं राजेश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया इस मंच पे, और आप लोगों के साथ जो भी मतलब मेरी मतलब ये कहिए कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि रामायण जो बनाना चाह रहे हैं, रामलीला जो बनाना चाह रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएं, और जो भी हमसे हो सकेगा या मेरा कोई योगदान उनको चाहिए होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं उपस्थित होऊंगा उनके साथ और उनके ग्रुप में शामिल रहूँगा। और उनसे ये भी गुजारिश है कि अगर उनको कोई जैसे और भी कैरेक्टर्स हैं, और भी हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको भी शामिल करें, और जितने भी बड़े मंच पे आप रामलीला हो या रामायण फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपना एक ये कदम आगे बढ़ाएं, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके दिलों में, उनके मतलब अंदर एक रामायण की भावना जागेगी, और इससे हमको अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होगी। यही, और इससे ज़्यादा यही कहूँगा कि आपको जो भी कैरेक्टर्स मतलब चाहिए होंगे, उसको अच्छे से अच्छे ढंग से उनको मतलब कैरेक्टराइज करके, उनको अच्छा एक है ना मतलब हाव भाव से उनको सिलेक्शन किया जाए, और हमारे साथ जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे जितने भी मतलब अतिथि हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि वही आपका साथ ज़्यादा देंगे राजेश जी। और हमारे शैलेंद्र जी भी हैं जो एनसाइक्लोपीडिया वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।